पुण्य भूमि भारत भूमि पर परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। अविनाशी कल्याणकारी परमात्मा आकर तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनाने का कार्य करते हैं। उसी के यादगार स्वरूप में हम अनेकानेक त्यौहार मनाते हैं। वैसे ही अब विजयादशमी एक खास त्यौहार है, जिसमें बताया जाता है कि देवताओं ने असुरों को नाश किया और विजय पाई। वास्तव में देखा जाए यह असुर कौन है? हमारे अंदर की बुराइयों को ही असुर कहा गया। देवताओं ने भी अपने अंदर की बुराइयों को मारा, न कि किसी असुरों को मारा, क्योंकि देवताएं अहिंसक है, वह कभी किसी की हिंसा नहीं करते। तो हमें भी देवताएं यही सिखाते, यही प्रेरणा देते, हम भी अपने अंदर की बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य, मत्सर, हिंसा आदि विकारों का नाश करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें। बुरे विचार, बुरे कर्मों का नाश माना ही सच्ची विजयादशमी है। तो आओ चले हम विजयादशमी के बारे में विस्तृत जानकारी ले। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। 9 दिन तक चली इस युद्ध में 10वें दिन माँ दुर्गा की विजय हो गई। इस प्रकार माना जाता श्री राम ने भी इसी दिन रावण के ऊपर जीत पाई। इसी का यादगार पर्व विजयादशमी मनाया जाता। अब वास्तव में देखा जाए देवियों की मूर्ति के ऊपर असुर का चित्र, नीचे देवियों की मूर्ति, यह दिखाते अपने असुरी वृत्ति का नाश कर उन्होंने यह पद प्राप्त किया। उसने महिषासुर को मारा, यानी निर्बुद्धि विकारी बुद्धि को समाप्त कर दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि परमात्मा से प्राप्त कर वह खुद शिव शक्ति बन गई। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका भावार्थ यही है, वास्तव में इन शिव शक्ति देवियों ने शिव की साधना कर महानतम देवपद की प्राप्ति की। इन सब देवी देवताओं को बनाने वाला देवादिदेव महादेव यानी शिव जी ही है। शिव परमात्मा ने इन देवियों को विशेष कार्य के लिए निमित्त बनाया। देवियों के कर्तव्य के अनुसार नाम गाए गए। श्री दुर्गा यानी दुर्गुणों का नाश कर श्रेष्ठ बनी। श्री दुर्गा देवी के हाथ में शस्त्र भी दिखाए जाते, पर वास्तव में यह कोई हिंसा वाले शस्त्र नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के शस्त्रास्त्र से सजी सजाई है, न कि स्थूल शस्त्र से। इसीलिए इस दिन शस्त्र की भी पूजा की जाती है। आज हम एक एक शस्त्र का अर्थ समझेंगे। वास्तव में माँ दुर्गा की अष्टभुजाएं सहयोग का प्रतीक है। कोई भी कार्य सहयोग के बिना नहीं हो सकता। माँ दुर्गा ने परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया। उस कार्य में बहुतों ने मदद की। इसी का यादगार अष्टभुजा है। अब चलिए अनेक अष्टभुजाओं में जो शस्त्र धारण किए उसे अच्छी तरह हम जाने। दुर्गा माँ के एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है, जो कि विष्णु ब्रह्मा के हाथ में और माँ दुर्गा के हाथ में दिखाते हैं। यह चक्र है सृष्टि के ज्ञान का प्रतीक। हम भी इस सृष्टि पर आए कर्म करने, तो हमें भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना जरूरी है। यही दुर्गा माँ हमें भी समझाती। जो माँ के पास नॉलेज है वह बच्चों में होना ही चाहिए। दूसरे हाथ में शंख दिखाया, उन्हें जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी शंख ध्वनि की, यानी औरों को भी सुनाया। दुर्गा माँ हमें भी यही कह रही, जो भी ज्ञान आपको मिला औरों को देना है, ज्ञान की शंख ध्वनि जरूर करनी है। तीसरे हाथ में तलवार दिखाई, जो बुरे संस्कारों को, बुरी आदतों को, बुरे संग को,
बुरे कर्मों को दूर से ही काटना है, अपने पास आने नहीं देना, बुराई के ऊपर ज्ञान तलवार चलाकर अपनी बुराइयों को खत्म कर देना है। चौथे हाथ में धनुष बाण भी दिखाते। कोई भी देवी देवताओं ने स्थूल बाण नहीं मारे, बल्कि ज्ञान बाण मारकर औरों की बुराई को खत्म कर दिया। ये ज्ञान दान का ही प्रतीक माना जाता है। पांचवें हाथ में दिखाया है, उसने ज्ञान गदा चलाकर विकारों को खत्म किया। हमें भी अपने अंदर के विकारों को खत्म कर देना चाहिए। छठे हाथ में त्रिशूल दिखाते। त्रिशूल यानी तीनों कालों का ज्ञान होना। बीता हुआ कल चल रहा, वो आज और आने वाले कल यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों की नॉलेज को जानकर कर्म करना है। इससे बुराइयां खत्म हो, हम अपनी जीवन में विजयी हो सकते। जबकि दुर्गा माँ के पास इन तीनों कालों का ज्ञान स्पष्ट रूप में था। सातवें हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। भले इस दुनिया में सब तरफ बुराइयों का ही राज्य है, इस बुराई की दुनिया में रहते हुए हम उस कमल फूल समान बुराइयों से न्यारा होकर परमात्मा का प्यारा बने। यहाँ माँ दुर्गा की जीवन कमल फूल समान दिखाई। हमें भी अपने जीवन को कमल फूल के समान कीचड़ में रहते सबसे न्यारा और पवित्र रहना है। आठवें हाथ वरदान के रूप में दिखाते। देवता हमेशा देने वाले होते, तो माँ दुर्गा भी हमें यही कह रही है, आप दाता के बच्चे, आपको सदा ही देते रहना है। माँ दुर्गा की सवारी हमेशा शेर पर दिखाते। शेर यानी निर्भय। माँ दुर्गा हमें यही सिखलाती है, अगर आप परमात्मा की याद में रहते हो तो शेर की तरह निर्भय होकर जी सकते हो। जो परमपिता परमात्मा की याद में रहता है वो निर्भय निडर होकर जीता है। इसलिए गाया, जिनको राखे साई उनका बाल न हो बाका। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भोलेनाथ हमारे रक्षक है, तो डरने की कोई बात नहीं। माँ दुर्गा के पद चिन्ह भी यही दिखाते, यही बताते, आप उस परमात्मा को सदा याद करते रहे तो पद्मा पदम भाग्यशाली बनते रहेंगे। देवी के सिर पर सोने का ताज दिखाते। वह ताज जिम्मेदारी का प्रतीक है, उसमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। देवी का चेहरा सदा हर्षित, नयन तेजस्वी, यह प्रतीक है परमात्मा प्राप्ति की खुशी चेहरे पर झलक रही और आंखों में परमात्मा की याद समाई हुई। अपने चेहरे और चलन से दिव्यता की झलक और फलक दुर्गा माँ ने परम शक्ति शिव शक्ति को प्रत्यक्ष किया हुआ है। इसी का यादगार बना हुआ गले में अलंकार धारण किए दिखाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान के अलंकार है। ज्ञान को जीवन में धारण करने से ही जीवन सुखमय बन जाती है। हम भी अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। अपने जीवन में परमात्मा द्वारा दिए गए राजयोग के ज्ञान को अवश्य धारण करें। तो चले आज हम सच्ची विजयादशमी मनाएं, खुद अच्छा बने, औरों को भी अच्छा बनाने की प्रेरणा दे। विजयादशमी के दिन रावण की एफिजी बनाकर जलाया जाता, तो चले हम भी अपने अंदर की बुराई एवं विकारों को जलाकर सच्ची विजयादशमी मनाए। दश विकारों के ऊपर जीत पाना माना ही सच्ची विजयादशमी मनाना। इसी शुभ आशा के साथ हम आपको विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए हमारे नज़दीकी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। हमारा पता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागठाणे। कॉल करें 9975435889। ओम शांति।